सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते, मैं मेघा सिंह अपने यूट्यूब चैनल मेघा जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको सीधे लेके आ गई हूँ किचन में। ये मैंने आलू बॉयल कर लिया है, ये देखिए। इसमें थोड़ा सा ये मैंने लहसुन छिलके फ्रीज में रखा हुआ था, उसी को मैंने पीस लिया है। अब इस पीसे हुए लहसुन में वही बेसिक मसाले आपको डालना है, जैसे कि मैं और सभी में बताती हूँ। अच्छे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, जीरा मरीच पाउडर और कुछ भी नहीं डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर आगे का प्रोसेस भी बताऊँगी। आलू को थोड़ा कड़ा ही आपको बॉयल करना है, हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है आलू को। उसके बाद आपको आगे बताऊंगी। और इस तरह से आप आलू को अच्छे से छील लीजिए, छील के थोड़ा सा कड़ा ही रहेगा, छीलने में थोड़ा आपको दिक्कत भी आएगी, लेकिन कोई नहीं। जब छिला हुआ आपका आलू हो जाए तो इस तरह से आपको गोल गोल टुकड़े में काट लेना है, थोड़ा मोटा ही काटे। सारे आलू को इसी तरह से हमने काट के इसे कुछ देर के लिए आप फ्रीज में रख दें और उसके बाद निकालें। ये देखिए मैंने फ्रीज में रख दिया था, उसके बाद इसे निकाल लिया है। ये काफ़ी फ्रेश फ्रेश लग रहा है। वही मसाले जो मैंने बनाए थे उसे इसमें डाल देना है और इसे मिला देना है अच्छी तरह से। पहले एक थाली में आप मिला लीजिए मसाले को आलू के साथ, अच्छे से मिलाइए, थोड़ा सा भी बचे नहीं, मिला करके उसके बाद आप इसे अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गया है। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाला हुआ था, ये इस तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें बैंगन फ्राई किया हुआ था और इसी में मैंने आलू को भी फ्राई करूँगी। जैसा कि मैंने फ्राई करने में कि मैं सरसों डालती हूँ, तो आप भी प्लीज़ सरसों डालिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने डाला है, यहाँ तेल थोड़ा मेरे से ज़्यादा पड़ गया है, तो आप थोड़ा इससे कम ही तेल डालें और इसे एकदम रेड होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे डीप फ्राई करें, क्रिस्पी, ये क्रिस्पी हो जाएगा। उसके बाद इसे एक प्लेट में आप निकाल लें, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। एकदम फ्लेम को हाई रखिएगा, लो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मेरे सारे आलू जो हैं वो पके हुए हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं करना है। अब ये देखिए ये एकदम बिल्कुल तैयार है निकालने के लिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। तेल थोड़ा कम रहता तो ये मसाले जो इधर उधर हो गए हैं ये नहीं होते। यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने पूरे आलू को निकाल लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।